देखिए राजनांदगांव की जो पहचान है गणेश पर्व के रूप में है। मुख्य रूप से देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो है गणेश पर्व के रूप में राजनांदगांव के को ही जाना जाता है। आज ये 11 दिन का जो उत्सव है ना कि शहर में बल्कि घर घर में और आसपास के जो गांव हैं वहां पर भी जो भारी संख्या में लोग यहां आकर के भगवान का दर्शन करते हैं। आज देख रहे हैं कि ये बाल रत्न गणेश उत्सव समिति का ये 31वां वर्ष है। यहां के जो कार्यकर्ता हैं, जो सेवक हैं, जो युवा भाई हैं, उनके उत्साह को देखते हुए हम सभी नगरवासी संस्कारधानी वासी सब ने मिल करके सबकी इसमें सहभागिता है। मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूँ। आपने 5100 दीपों से सुसज्जित जो दीप मालिका आपने देखी और आपने दीप प्रज्वलित किया उसके मुख्य सूत्रधार कर्णधार भाई संस्कार ठाकुर जी हैं। उनका हम बाल रत्न मंच सेवा समिति परिवार की ओर से स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपना तन। नमस्ते, जय जगन्नाथ, जय जय श्री गणेश जी। हम बाल रत्न मंच सेवा समिति राम मंदिर मार्ग में स्थित, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे गणेश जी आज जगन्नाथ महाप्रभु के गोद में सोए हुए हैं, विश्राम निंदा में दिखाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आज एक देव दीपावली का अवसर आप देख रहे हैं। आज 5100 दियों के साथ एक हमारी एक छोटी सी सोच जो हम चाहते हैं कि हर जगह हर एक जन एक दिया जलाएगा, ये आज हमारी सोच है। हम चाहते हैं कि एक दीप प्रज्वलन से 100 लोगों के मन आज सनातन संस्कृति की तरफ जाए। जैसा कि हम हमारे मोदी जी को देख रहे हैं, आज एक सनातन की लहर चल रही है। राम जी आए, जगन्नाथ जी आए और बाकी सब महाप्रभु जल्दी ही आए। जय जगन्नाथ, जय जय श्री गणेश। अपना नाम बताएं जी। मेरा नाम अभिनव अग्रवाल, अध्यक्ष बाल रत्न मंच इस साल का। हमारे साथ सौरभ भैया। देव दीपावली के रूप में 5100 दीपों से सुसज्जित देव दीपावली मनाई गई। गणेश जी के उत्सव का यह 31वां आयोजन, जन जन दीप जलाएंगे, सनातन संस्कृति की अलख जगाएंगे। इस आयोजन की थीम भगवान गणपति व जगन्नाथ महाप्रभु के आशीष से हमें प्राप्त हुई, इसलिए हमने इस आयोजन की थीम को एक सनातन संस्कृति की अलख जगाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे का टाइटल रखा है। इस आयोजन में बच्चों से लेकर वरिष्ठ जनों तक ने दीप जलाया और सनातन संस्कृति की अलख को घर घर जगाया। सनातन संस्कृति हम सब की एक तरह से पहचान है। आए और सनातन को हम अपने मन मंदिर में बसाएं। जगन्नाथ महाप्रभु की दिव्य झांकी जिसमें आप देख रहे हैं गणेश जी बाल स्वरूप में, उनकी गोद में एक निद्रा कालीन मुद्रा में आराम करते हुए श्री गणेश जी महाराज की कृपा संपूर्ण विश्व पर बनी रहे, इसी मंगल भावना के साथ यह आयोजन निरंतर किया जा रहा है। एवं साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे आगामी 14 सितंबर 2024 दिनांक 14 सितंबर 2024 डोल ग्यारस जल झूलनी एकादशी के शुभ अवसर पर पूर्व संरक्षक स्वर्गीय श्री सत्यनारायण जी अग्रवाल की स्मृति में रक्तदान शिविर का विशाल आयोजन इस पंडाल परिसर में किया जा रहा है, जिसका हमने गणेश जी के आशीर्वाद से एक थीम रखा है, 108 मोती को मिलाकर बनती है एक माला। तो एक माला को हम पिरोएंगे भगवान गणपति के आशीष से, भगवान जगन्नाथ के आशीष से। इसलिए हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप रक्तदान शिविर में स्वयं रक्तदान करें एवं अन्य अपने जनों को, बंधु बांधव को प्रेरित करें और 108 मनके की माला को पिरोकर एक माला गणेश जी के श्री चरणों में हम समर्पित कर सके, रक्तदान कर सके, ऐसा संकल्प को पूर्ण करें ताकि रक्तदान महादान आन है। और जैसा कि भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि जिए और जीने दें, जिए और जीने दें को सिरोधार्य करते हुए बाल रत्न मंच सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर में आप सहभागी बने। मैं सौरभ खंडेलवाल, वरिष्ठ सदस्य बाल रत्न मंच सेवा समिति गणेशोत्सव परिवार।
देखिए राजनांदगांव की जो पहचान है गणेश पर्व के रूप में है, मुख्य रूप से देखा जाए तो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि जो है गणेश पर्व के रूप में राजनांदगांव को ही जाना जाता है। आज ये 11 दिन का जो उत्सव है न कि शहर में बल्कि घर घर में और आसपास के जो गांव हैं वहां पर भी जो भारी संख्या में लोग यहां आकर के भगवान का दर्शन करते हैं। आज देख रहे हैं कि ये बाल रत्न गणेश उत्सव समिति का 31वां वर्ष है। यहां के जो कार्यकर्ता हैं, जो सेवक हैं, जो युवा भाई हैं, उनके उत्साह को देखते हुए हम सभी नगरवासी संस्कारधानी वासी सब ने मिल करके आज एक देव दिवाली के रूप में दीपोत्सव पर्व मनाए हैं। इस दीपोत्सव का, इस दिए का उद्देश्य वास्तव में ये दिया जो है एकता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है। और इस दिया को जला करके एक संदेश है कि हर सारे भारतवासी के दिलों में ये अलख जगाएं सांस्कृतिक एकता के लिए और अपने सनातन धर्म को मजबूती देने के लिए। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहाँ के जो समिति के सारे लोगों को मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और भगवान जगन्नाथ के गोद पे गणेश जी जो लेटे हुए इस अद्भुत दृश्य को देख करके तो सबका मन मोहित हो रहा है और भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। मैं पुनः एक बार जो है सबको शुभकामनाएं देता हूं। जय जगन्नाथ, जय गणेश महाराज की। आपके द्वारा कितना दीपक जलाएंगे आज? आज तो 5000 से ऊपर जो दीपक जलाया गया है, ये शनिदेव धाम के इसमें सहयोगी रहे हैं पर मुख्य रूप से सारे लोग हैं नगरवासी संस्कारधारावासी और यहाँ के जो युवा टीम है उसको मैं विशेष रूप से जो उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा। मैं अनोखा अनूठा कार्यक्रम किया जाता है और इस समय जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है हमारे राकेश ठाकुर भाई जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए जगह जगह अलग जगह आ रहे हैं मैं उनको धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारी संस्कृति के साथ हम सबको जोड़े हैं और हम सब उस दीप के जो प्रज्वलन होता है उसके उजाले को देखकर हम सब प्रसन्न होते हैं। भाई सौरभ खंडेलवाल ने जैसा बताया 108 रक्तदान, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जियो और जीनो दे उनका जो नारा था कि आप अगर रक्तदान करेंगे तो इससे अन्य लोगों को जो भी जिसको रक्त की ज़रूरत पड़ेगी आप किसी के जीव दया कर सकते हैं। इसी प्रकार हम सब बड़ों का आशीर्वाद है कि ये बच्चे जो हैं ऐसी हमारी संस्कृति के साथ सनातन धर्म के साथ इसी प्रकार का शुभ काम करते रहें। धन्यवाद।